कहते हैं नीयत साफ हो जिनकी उनके कदमों में जमी होती है, आसमां में उड़ने वालों को कब सितारों की कमी होती है। तो क्या दोस्तों, आप आसमां में उड़ने के लिए रेडी हो? ओके, देन वेलकम बैक टू एजुकेशनल बोर्ड। मेरा नाम माही खान, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के पास जुनून होने के बावजूद वो असफल रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों होता है, क्या आप लोग कभी गौर किए हो? तो चलिए मैं आप लोग को बताती हूँ। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो ये सोच कर टाइम वेस्ट कर देती है कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, वो ऐसा सोचती है। चलो मान लिया कि टाइम बहुत है आपके पास, बट उस टाइम के साथ आपकी ये जो गोल्डन एज है वो भी तो निकल रही है। सिर्फ आपका टाइम नहीं निकल रहा है, बल्कि ये गोल्डन एज जो है वो भी आपकी निकल रही है। और रियलिटी बताऊं दोस्त, तो टाइम बहुत कम है, इसीलिए अपने टाइम को बर्बाद मत करो। आप ये सोचकर सक्सेस हो कि आपको अपने माँ पापा के लिए सक्सेस होना है, क्योंकि वो बेसब्री से आपको सक्सेस होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पेरेंट्स काम करते करते अब बहुत थक चुके हैं और अब वो सिर्फ रेस्ट करना चाहते हैं, इसीलिए खुद को तो बदलना ही पड़ेगा दोस्त। क्योंकि जब तक खुद को नहीं बदलोगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा, इसीलिए आप हर उस चीज़ से नाता तोड़ो जो आपकी सफलता की राहों में कांटे बन रहे हैं। और मेरे दोस्त, एक बात हमेशा याद रखना कि कामयाबी के रास्ते कभी आसान नहीं होते, कामयाबी के रास्ते कभी आसान नहीं होते। बिना ठोकर खाए लोग महान नहीं होते। मिलता है चलने वालों को खुदा का साथ, वो जहाँ में कभी अकेले परेशान नहीं होते, वो जहाँ में कभी अकेले परेशान नहीं होते। तो दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो, आप भी लग जाओ अपने सक्सेस को पाने के लिए। और बस मैंने जैसा कहा है आप लोग भी वैसा ही करो, और फिर कहना अगर आपको सफलता ना मिले तो। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आई होप आप लोग मेरी बातों पे ध्यान दोगे।